हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू 10P। दोस्तों, नीट और JEE मेंस के पोस्टपोनमेंट को लेकर मामला फिर से गर्म हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अब इंडिया में रोज़ 50,000 से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और इसी की वजह से स्टूडेंट्स जो नीट और JEE मेंस के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फिर से रमेश पोखरियाल जी को ट्विटर पे कमेंट कर रहे हैं कि #NEET postpone, ऐसे मतलब दिसंबर तक पोस्टपोन कीजिए, इस साल तक पोस्टपोन कीजिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आ ही रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की ताज़ा न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया के जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने नीट और JEE मेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीट और JEE मेंस के एग्ज़ाम सितंबर में होने हैं, पर करंट सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नीट और JEE मेंस के एग्ज़ाम को दिसंबर में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो पेरेंट्स एसोसिएशन के लॉयर हैं अलख आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने NTA को रिटर्न लेटर किया था, मतलब एक रिटर्न लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने ये सब बात लिखी थी कि अभी करेंट के सिचुएशन को लेकर नीट और JEE के एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए, पर उन्हें उनको मतलब उनके उस लेटर को रिटर्न लेटर का NTA की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं है, और इसी की वजह से अब पेरेंट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है अनुभा श्रीवास्तव सहाई, वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखने वाले हैं कि नीट और JEE मेंस को पोस्टपोन करना चाहिए, इस एग्जाम को इस दिसंबर तक पोस्टपोन करना चाहिए और दिसंबर में इस एग्जाम को रखना चाहिए, और आगे के करेंट सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि पेरेंट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखेंगे कि नीट और JEE मेंस को पोस्टपोन किया जाए, इस बात पे वो PIL फाइल करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, नीट पोस्टपोन हो या ना हो।